बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर एक्शन चैनल गाइस। मैं हूँ देव आशीष। तो आज अगेन हम बेहतरीन सा वीडियो लाए हैं। तो ये है हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा की कंप्लीट स्टोरी। ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आज क्या है। अली भाई, अगला सवाल है। मैंने अपने बचपन में एक ज़िम्मेदार बरेलवी आलम और मुनाजर मौलाना सईद अहमद असद हाफिज़ाहुल्लाह की ज़ुबानी एक वाक़या सुन रखा है, जिसकी तस्दीक अली भाई से मतलूब है। क्या ये वाक़या दुरुस्त है कि सईदना मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से शाम के लिए निकले तो अपने साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी कब्र अक़दस से निकाल कर हिजरत को रवाना हुए थे? प्लीज़ वजाहत फरमा दें। ये जो हदीस उन्होंने बयान की है ना, इस वाक़े का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही सनद से साबित है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये वाक़या आपको अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मिल जाएगा सही सनद के साथ। इमाम हाकिम ने इस हदीस को इमाम बुखारी की शर्त पे सही कहा है। इमाम ज़हबी ने भी उनकी मुवाफ़कत की है। ये हदीस जो है वो मुसनद अबी याला में भी मौजूद है सही सनद से। सही इब्न हिब्बान के अंदर भी मौजूद है। ये हदीस तफसीर इब्न कसीर में भी मौजूद है। तफसीर इब्न कसीर में जो सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 52 है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी तरफ वही की थी, वअउहैना इला मूसा अन असरि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबाउन। हमने मूसा को वही की कि तुम रातों रात मेरे बंदों को, वो 6 लाख के लश्कर को बनी इसराइल के यहाँ से लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। वो पीछे आए तो समुंदर में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, बनी इसराइल तो निकल गए, और उसी रास्ते में जब फिरौनी निकलने लगे तो अल्लाह ने दोनों पार्ट मिला दिए, कुरान में आता है, तो तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये सूरह अश-शुअरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 52 के कॉन्टेक्स्ट में इमाम इब्न कसीर इस हदीस को लेके आए हैं जो हाकिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव एरिया में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे एक देहाती शख्स था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। आप बड़े खुश हुए, आपने उठते हुए फरमाया कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास भी आना, दावत दे दी। उसके लिए तो ऑनर की बात थी। कुछ अरसे बाद वो नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की, एक तो बदला उतर गया, फिर आपने एंड पे फरमाया मांग क्या मांगता है। उसने कहा, या रसूलल्लाह एक ऊंट चाहिए जिस पे मैं और मेरे घर वाले सवारी कर लें। हाँ, उस पे कजावा भी होना चाहिए, यानी अच्छी सीटें लगी हुई हों, और 2-4 बकरियाँ मिल जाएँ जिनका दूध दो के मैं अपना और अपने फैमिली का सिलसिला चला लूं। यार उस ज़माने में बस सबसिस्टेंस लेवल पे यही लाइफ गुजारने का ज़रिया होता था। ये आजकल तो हम जो लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये उस वक्त का अमीर आदमी भी नहीं था गुजार सकता। गंदम के दाने, साल के दाने पूरे हो जाएं, दूध के लिए भेड़ बकरी रखी हैं, अल्लाह खैर सल्लाह, और कोई काम ही नहीं है। ये जो आसाइशें हैं इनकी वजह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। एक ऊँट और चंद बकरियाँ मांगी, और किससे मांग रहा है? अल्लाह के नबी से, जिनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं वो अल्लाह से लेके दे सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, ओए तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़िया ही अच्छी रह गई, ओए जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे बहुत बड़ी चीज मांग ली थी। अच्छा, तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह वो बुढ़िया का क्या किस्सा है? तो आप फरमाया कि हुआ यूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले शाम जाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो रास्ता भूल गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल के उलमा थे ना, उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया जाए कि ये मसला क्या है। तो उन्होंने फिर बताया कि हज़रत बात ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे ना, आगे बनी इसराइल में से थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों के दरमियान आलमोस्ट 1400 साल का फासला है हज़रत यूसुफ़ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया था ना, तो उन्होंने बनी इसराइल से एक अहद लिया था
कि जब कभी भी तुम वापस मुल्के शाम गए ना, क्योंकि असल इनका वतन तो शाम था, वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ में आता है ना कि बिख के वहां तक पहुंचे, फिर अल्लाह ने वहां उनको मर्तबा दिया तो बनी इसराइल वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन याद तो अपने वतन की सताती थी, इनको ये भी पता था कि अल्लाह ने वही के जरिए बताया होगा कि अल्टीमेटली आप इब्राहिमी मस्कन की तरफ दोबारा जाएंगे, तो इन्होंने याद लिया था कि जब तुम लोग यहां से शिफ्ट करो ना तो मेरी लाश भी कब्र से निकाल के ले जाना, मुझे वहां पे यरूशलम में दफन करना है जो मेरा अबाई जगह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओहो ये तो फिर हमें रास्ता नहीं मिलेगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नाल खड़ना पैना है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हो रहा था। उनका अच्छा ठीक है जी बताओ कब्र की तरह, उनका जी कब्र भी नहीं पता हमें, क्योंकि उस जमाने में मज़ार नहीं होते थे, पॉइंट टू बी नोटेड, मज़ार तो नहीं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका बहुत बड़ा मज़ार होना चाहिए था, वहाँ वजीर खुराक रहे थे वो। उन्होंने कहा जी एक बुढ़िया है जिसको कब्र का एड्रेस पता है, लेकिन वो कहती है कि मूसा को मेरे पास खुद भेजो, मैं उसके साथ नेगोशिएशन करूंगी तो जगह बताऊंगी कब्र की। अच्छा मूसा ने सलाम ने कहा ठीक है बात कर लेते हैं, तो कहा अम्मा बता। उन्होंने कहा इस तरह नहीं है, मुझे इसका मुआवजा अदा करना होगा। अच्छा मूसा ने सलाम ने कहा इसका मुआवजा क्या, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई पैसे, कोई माल, कोई बकरियां, कोई ऊंट, जिस तरह इससे आपी ने भी मांग लिया। उन्होंने कहा जी मुआवजा ये है कि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ रहूंगी। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग फक हो गया, चेहरे पे नागवारी के आसार आ गए कि ये क्या मांग रही है, फिर दूसरा ही मेरे इख्तियार में भी नहीं है। तो हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह ताला ने उसी टाइम हज़रत मूसा को वही की कि आप कमिटमेंट कर लें इसके साथ, ओए हाय हाय देने वाला तो अल्लाह है ना जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इसलिए हुज़ूर ने उस अरबी को कहा ओ यार तुझे तो बुढ़िया अच्छी रहेगी, यानी तू मुझसे जन्नत में मेरा पड़ोस मांग लेता, तूने मांगी तो दुनिया की चीज मांगी। जिस तरह के सही मुस्लिम में आता है कि एक सहाबी थे रबिया, नबी अलैहिस्सलाम को वजू करवाया करते थे, एक दिन समुंदर रहमत जोश में आया, फरमाया सल रबिया, रबिया क्या मांगता है, वो भी तैयारी करके बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस, हो सकता है इस वाक्य के बाद ये हुआ हो, उन्होंने ये बात सुनी हुई हो, मुमकिन है, ये मेरी असेसमेंट है। तो आप फरमाया और भी कुछ मांग ले, उनका नहीं या रसूलल्लाह इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपने फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद कर, यानी अल्लाह की इबादत कर कसरत के साथ, मेरी शफात भी तेरे काम आएगी, अल्टीमेटली तुझे जन्नत में मेरा पड़ोस मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी है, उनका या रसूलल्लाह क्यामत कब आएगी, आपने फरमाया कि कोई क्यामत के लिए तूने तैयारी भी की है, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बस मोटे मोटे दीन पे चलता हूँ, फ़राइज़ पूरे करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा नफली बातें मेरे पास नहीं है, हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ होंगे। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह के किसी फरमान से हमें इतनी खुशी नहीं हुई जितना इस फरमान से हुई कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है अल्लाह और उसका रसूल क़यामत वाले दिन उसके साथ होंगे, यानी उसे भी पड़ोस मिल जाएगा। और फिर हज़रत अनस इब्ने मालिक के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में, ए अल्लाह मैं अल्लाह से उसके रसूल से हज़रत अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ, गो मेरे आमाल अबू बकर उमर वाले नहीं हैं, लेकिन या अल्लाह मुझे भी अपना और अपने महबूब का साथ क़यामत वाले दिन नसीब फरमा, आमीन। हम भी दुआ करते हैं कि गो हमारे अमाल भी सहाबा और अहले बैत वाले नहीं हैं, तब भी अल्लाह ताला महज अपनी रहमत से अपने नबी अलैहिस्सलाम की शफात से हमें उन मुबारक हस्तियों का पड़ोस क़यामत वाले दिन नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा तो अब वो बुढ़िया ने कहा कि जी मैं आपको पता बताती हूँ, अब वो बुढ़िया जनाब उनको एक तालाब के ऊपर ले आई, हदीस के अल्फाज हैं वो तालाब भी बिल्कुल सब्ज हो चुका हुआ था, यानी बहुत पुराना तालाब था, कोई इतने यूज़ में भी नहीं था, कोई समझ लें आजकल जिस तरह कीचड़ वाला कोई जोहड़ होता है। उसने कहा जी इस पानी इसका ना तालाब का बाहर निकलवाएं, इस तालाब को खुश्क करें, तो तालाब खुश्क किया गया, तो उसकी बेसमेंट के अंदर उसने ना एक जगह लोकेट की कि यहाँ पर आप खोदें, यहाँ पर उनकी कब्र है, ये दसवें किसी लभनी सी,
उस माने इल्मे गायब ही नहीं सी होता, नहीं तो लभ जाता। ठीक है, बुजुर्गों कहते हैं ना इल्मे गायब है, वो जब तक अल्लाह ना बताए तो पैगंबर को भी नहीं पता चलता। तो खैर, वो कब्र खोदी और हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जज्दे अनवर निकाला तो फिर बनी इसराइल के लिए जो है ना रास्ता बिल्कुल वाज़े हो गया, फिर वो अपने सफ़र पे चल पड़े। तो ये हदीस है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्द अनवर वहाँ पे शिफ्ट करने की बात है। लेकिन इस हदीस के अंदर एक इश्काल भी है, मैं उसको क्लियर कर दूँ। इस हदीस में अल्फाज हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वस्तखरिजू इज़ाम यूसुफ, यूसुफ की हड्डियों को यहाँ से निकालो। इसकी वजह से बाद लोग ये कहते हैं कि जी ये तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो जिस्म माज़ल्लाह सलामत नहीं था, वो तो हड्डियाँ शिफ्ट की गई हैं। शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह ताला सिलसिले अहदीस सहिया में लिखते हैं कि मैं बड़ा अरसा परेशान रहा कि हमें तो सही अहदीस की रोशनी में ये बात पता है, इवन कुरान से भी इशारा मिलता है, मैं बाद में बताता हूँ आपको, कि अम्बिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हड्डियों का ढांचा वहाँ पे हो? तो कहते हैं मेरा मसला हल हुआ जब मैंने सुन नबी दाऊद में वो हदीस पढ़ी ना, हज़रत तमीम दारी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यानी खड़े होकर खुतबा देते हैं तो मैं आपके लिए एक मिंबर ना तैयार करवा दूँ जिस पर आप बैठ के थोड़ी देर आराम कर लिया करें। तो उसमें पता क्या अल्फाज हैं, वो कहते हैं यहमिलु इज़ामक, उस मिंबर पे आप अपनी हड्डियां रख सकें, होना तो चाहिए था जिस्म रख सकें। तो अल्बानी कहते हैं कि वो मुझे पता चला कि ये अरब के लोग मुहावरतन ये लफ्ज़ बोलते हैं, यानी वो जिस्म हड्डियों के इक्विवेलेंट जिस्म और जिस्म के लिए हड्डियां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जिस्म में दर्द हो तो हम क्या कहते हैं मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि फिजिकली को हड्डियां टूट रही हैं, जिस्म में दर्द है। बिरयानी खाई है तो सीने में आग लगी हुई है, उससे मुराद वो फायर नहीं होती, ये मुहावरा था। तो कहते हैं उससे आदमी ये भी कह सकता था यार सुल्ला जिस पे आप आराम कर सकें, उसने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए कि यहमिलो इज़ामक, आपकी हड्डियां आप अपनी हड्डियां उस पर रख सकें, तो हड्डियां अपनी को रख सकता है। बाकी इसको स्पोर्टिव वो हदीस है जो सुन नबी दाऊद में, सुन निसाई में और सुन इब्ने माजा में है, मिश्कात में मौजूद है। सैयदना औस बिन औस रदी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन जो है वो तुम्हारे अय्याम में सबसे बेहतर है, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन वो फौत हुए, इसी दिन सूर फूंका जाएगा, तुम जुम्मे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। तो साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह जब आप मर जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी में घुल मिल जाएंगी, जरा अल्फाज सुने, उस जमाने में इस तरह गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाता था, जवाब दिए जाते थे, तो आप पे दुरूद कैसे पेश होगा, ये तो नेचुरल प्रोसेस ऐसा होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब देखें इसकी बरकत ही हुई कि अकीदा पता चल गया, आपने फरमाया कि इन्नल्लाह अद हर्रम अलल अर्दी अंता गुला अजसाद लंबिया, बेशक अल्लाह ने इस बात को हराम कर दिया है मट्टी के लिए कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों के जिस्म मट्टी नहीं खाएगी, वो उनकी वफात के बाद भी कब्रों में सलामत रहेंगे। सही सनद के साथ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है जो उन्होंने नकल किया, उन तो खाली कॉल नकल किया, वो पूरी हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शाबा में ऐसा है कि जब ये पर्शियन अंपायर गिरी ना, तो तुस्तर शहर था पर्शियन अंपायर का, जब वो फतह हुआ ना, तो अब मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर को ख़त लिखा कि यहाँ पर हमने ख़जाने को जब टेक ओवर किया तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ताबूत मिला है जिसमें एक बहुत बड़ी लाश है, और वो लाश इतनी बड़ी है कि एक हाथ तो सिर्फ उसका नाक है, यानी ये नाक का साइज जो है ना वो 1.5 फुट के करीब है। तो अब आप देख लें कितनी बड़ी लाश है, और यहाँ के लोगों का ये अकीदा है जब बारिश नहीं होती तो इस लाश को ओपन एयर में ले आते हैं तो अल्लाह ताला बारिश दे देता है। तो आपको लेटर मिलता तो आप कहते जनाब फौरन एक वडाजा मज़ार बनवाओ हैं। हज़रत उमर तक जब पहुंचा तो आपने काब अहबार को, यहूदी आलिम थे जो बाद में मुसलमान हो गए, नबी इस्लाम की ज़िंदगी में थे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए सहाबी नहीं, बाद में तो उन्होंने वो पूरे 7 डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, तो उन्होंने कहा ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत है।
तो फिर हजरत उमर ने खत लिखा कि रातों रात 13 कब्रें खोदो, एक नहीं 13, ताकि पता ही नहीं चले किस में दफनाया, नामालूम जगह पे, और रातों रात इनको दफन कर दो। ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिसमें अथर है, और उसमें हजरत उमर ने कहा वन्नारु ला ताकुलुल अंबिया वल अर्दु ला ताकुलुल अंबिया, आग नबियों के जिस्मों को नहीं खाती, जमीन नबियों के जिस्मों को नहीं खाती, और एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया, दरिंदे भी नबियों के जिस्मों को नहीं खाते। तो ये शेख ज़ुबैर साहब ने ना उस फुट नोट पे लिखा कि ये हदीस सही है, लिहाजा हमारा ये यकीन है कि नबियों के जिस्म सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहां पर मैं बता दूं, जिस्म सलामत होने से कोई भी शख्स दुनियावी जिंदगी मुराद ना रहे, जिस्म सलामत है लेकिन उस जिस्म की सलामती सांस के साथ नहीं है, आखिरत की जिंदगी के साथ है। कुरान में आया कि शहीद भी जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं, ये कहता नहीं हमें शऊर है, हम मांगेंगे भी, अल्लाह कहता तुम्हें शऊर नहीं है। तो इतनी कहानियां करवाते हैं ये लोग, खुसूसन देवबंदियों और बरेलवियों ने तो बकायदा लिखा है कि ये तो दुनियावी जिंदगी है कब्र में। सर अल मुअन्नत में उन्होंने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो कब्र में जो हयातुन नबी है ये दुनियावी है, लफ्ज लिखा है दुनियावी, हालांकि वो आखिरत की जिंदगी है, वो तो दुनिया कहां से आ गई। और आला हजरत तो तुम्हें पता है खुले डुले बंदे सन, वो एक स्टेप आगे गए ने, मलफूजात आला हजरत में उन्होंने लिखा है कि जब किसी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं वली भी जिंदा है नबी भी जिंदा है तो दोनों की जिंदगी में फर्क क्या है, उन्होंने कहा अंबिया की जो जिंदगी है कब्रों में वो बरजखी तो है लेकिन ये हिस्सी दुनियावी है। हिस्सी, हिस्सी का मतलब क्या है कि आप किसी को चुटकी काटते हैं तो उसको फील हो, और दुनियावी। और उन्होंने कहा अगर फिर ना यकीन आए तो हमारे बुजुर्ग तो पहले ही फरमा गए हैं शेख जुरकानी कि नबियों की बीवियां उनकी कब्रों में उन पर पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। आज हम पेश करते हैं, वो कहता नहीं वो जुरकानी ने लिखा, उन्होंने तो नकल किया, तो उन्होंने तो अपने अकीदे के तौर पर नकल किया, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि जुरकानी साहब ने बकवास फरमाया है, उनका फरमाते हैं, ठीक है। तो फजाइले हज में शेख ज़करिया कांदलवी ने फजाइले दुरूद में फजाइले माल का एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने लिखा है, फजाइले फजाने सुन्नत में इलियास कादरी साहब पापा जानी जो हैं दावत इस्लामी वाले तबलीगी जमात ने, दोनों ने लिखा है कि 555 हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के 500 साल के बाद जब शेख अहमद रफाई कब्रे रसूल पे हाजिर हुए उन्होंने अरबी में शेर पढ़े, या रसूलल्लाह जब मैं मिस्र में था तो मैं रूह को भेजता था आस्तान अकदस पे हाजिरी के लिए, को अपनी रूह इस तरह भेज सकता है मुझे बताएं। अब जिस्मों के मिलाप की बारी आई है तो अपना दस्त अकदस कब्र से बाहर निकालिए मैं उसको बोसा दूं, तो कहते हैं 90,000 लोगों की मौजूदगी में हाथ मुबारक बाहर निकला और शेख अहमद रफाई ने बोसा दिया, और इनमें शेख अब्दुल कादर जिनानी का नामे नामी भी जिक्र किया जाता है कि वो भी ये मंजर देख रहे थे, हालांकि शेख अब्दुल जिनानी को बेचारों को पता भी नहीं होगा मेरे साथ क्या मंसूबे इन्होंने कर दिया। मैं कहता हूं जी बड़ी बदबख्ती है कि वो मंजर देख रहे थे, उन्होंने खुद हाथ नहीं चूम लिया, मैं जी नहीं कर लगा, ठीक है। और सारे 90,000 बदबख्त ने कि नबी इस्लाम का हाथ मुबारक बाहर निकले आया तो जालमो तुम क्यों नहीं चूमिया, और हुजूर के अखलाक से ये चीज बईद है कि आप अलैहि सलाम जो है एक को चुमवा दें और बाकियों को महरूम रखें, एक बार जो तू जरा बाहर आया सी फिर सारे नु ही ज्यारत करनी चाहिए थी, चुमना चाहिए था सी। सब कहानी झूठ है, ये हाथ कभी सईदा फातिमा के लिए नहीं निकला, कभी अम्मा आयशा के लिए नहीं निकला, कभी हजरत उमर के लिए नहीं निकला। वो बुखारी में 1010 नंबर हदीस 1010 आ रही है, इन्ना कुन्ना नतवसलु इलैका बिनबीना, अल्लाह जब तेरे नबी थे हम उनके वसीले से तेरे पास आते थे, आज हम तेरे नबी के चचा को लेके आए हैं। वो भी चले जाते कब्र रसूल पे, या रसूलल्लाह जब आप दुनियावी जिंदगी में थे तो आप हाथ मुबारक प्याले में रखते थे तो चश्मे जारी होते थे, तो आज जो है वो कहत मेरी इज्जत स्टेक पे लगी है, मेरे दौरे हुकूमत में दौरे खिलाफत के अंदर कहत आ गया तो आप हाथ मुबारक ये मैं प्याला लेके आया हूँ आप इसमें रखें। जी जनाब सही मुस्लिम में है कि हजरत उमर ने एक दफ़ा ये काम करवाया था, प्याला दे के तो नबी इस्लाम ने हाथ रखा। एक तो वो हदीस बुखारी मुस्लिम में हुदैबिया के मौका पे 1500 सहाबा ने एक प्याले से वजू किया और जानवरों को पिलाया और जमा कर लिया, और जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं 1,00,000 भी हम होते ना तो सबको कफायत करता था। तो हजरत उमर तो नहीं कहा, उनको पता था कि अब हमारी कम्युनिकेशन उस आखिरत की जिंदगी में हुजूर के साथ नहीं हो सकती। ये वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हजरत यूसुफ, हजरत मूसा सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई,
और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी हजरत है उनकी जो भी कब्र है वो महफूज है, कोई कोई भी उनकी जिस्म को कोई छू नहीं सकता ना ही कुछ कुछ कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी लगी कि जो भी हजरत है उनकी उनके जिस्म महफूज है। अच्छा लगा वो बात सुन के और काफ़ी अच्छा लगा पूरी स्टोरी इनकी लाइफ की स्टोरी सुनने में, और इमेजिनेशन में अब चले जाते हो कि वो कैसे बात करते थे। और वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा कि जब नबी उनसे पूछते हैं जो अच्छी तरह जो जिनके घर जाते हैं वो थोड़े गरीब होते हैं, तो उन्होंने बताया कि मांग तुझे जो मांगना है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो बोलते कि मुझे ऊँट चाहिए, मुझे बकरी चाहिए, मैं अपनी फैमिली को चला लूँ। तो बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे थे एग्जांपल देते हुए, और वो उन्होंने जन्नत में उनके साथ जगह मांगी थी कि आपके साथ जन्नत में जाना है। तो वही बोल रहे थे कि हंस रहे थे, और अच्छा लगा कि स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें अगर सुने तो काफ़ी पॉजिटिव लगता है आपके जहन में, आपके इनके लव्स जो सुनते हैं। तो कैसा लगा आज का रिएक्शन आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स करके बताना, और जो भी न्यू न्यू सजेशंस है आप ज़रूर कमेंट्स करके आप ज़रूर बताते रहो, और मिलते रहेंगे हम रोज़। तो चलिए चलते हैं, और अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्र।